तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट है, मैंने ये मैसेज लिख के भेजा है, वो देख सकते हो मैंने किस तरह से लिखा है। आप सोचेंगे यार इसको कैसे लिख सकते हैं व्हाट्सएप में, जब हम इसको ओपन करते हैं इस तरह आता ही नहीं, देखो किस तरह से यहाँ पे सेंड हो जाता है। लेकिन फ्रेंड जो मैंने ऊपर में लिख के भेजा है, अगर इस तरह लिख के आप किसी को भेजते हो और इस तरह लिख के बात करते हो, तो यार वो बंदा पूछेगा तू इस यानी कि ये किस तरह से लिख रहा है मेरे को भी बताओ ना, तो यार जो कि काफ़ी अच्छा काफ़ी अमेजिंग देखने में लगता है। तो अगर आप भी इस तरह से लिख के किसी से बात करना चाहते हो, मैसेज सेंड करना चाहते हो, तो यार इस वीडियो को देखते रहो लास्ट तक, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ए टू जेड बताऊंगा आप किस तरह से इसको लिख सकते हो और कैसे किसी को इस तरह से लिख के भेज सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहो एंड तक, और मेरे चैनल पर अगर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट कर चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले क्या करना होगा आपको, आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, स्टाइलिश यहाँ पे आपको सर्च कर देना स्टाइलिश टेक्स्ट है। तो जैसे आप स्टाइलिश टेक्स्ट यहाँ पे आप सर्च कर दोगे तो सिंपली इसको इस तरह ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद ऊपर की साइड में यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हो रहा है स्टाइलिश टेक्स्ट है, तो सिंपली आपको इसको क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, मैंने तो पहले इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो मैं सिंपली इसको कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ ओपन, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा हो चुका है ओपन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करना क्या होगा, यानी कि ओपन करने के बाद अगर आपको कुछ परमिशन मांगेगा तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे यानी कैसे क्या करना होगा, तो जैसे कि गाइस ऊपर की साइड में देख सकते हो वहाँ पे लिखा हो रहा है हेलो, तो सिंपली जैसे यहाँ पे कट का आइकन आ रहा है तो सिंपली मैं इसको कट कर देता हूँ। तो कट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, जो यहाँ टाइप हेयर लिखा हुआ है तो सिंपली आपको टाइप हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कुछ भी आपको मैसेज सेंड करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैं जैसे कि यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, हेलो, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ये क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, यानी कि बहुत जिस टाइप में जिस आप लिखना चाहते हो, जैसे कि फर्स्ट में आ रहा है इस तरह से, सेकंड में आ रहा है इस तरह से, तो बहुत सारे ऐसे आपके पास फॉन्ट है यानी कि ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे। तो जैसे किसी को आपको कॉपी करना है उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे के साइड में देख सकते हो यहाँ पे लिखा हो रहा है कॉपी, तो सिंपली आपको कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद जाना है आपको अपने व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में जाने के बाद जिसको भी सेंड करना है वो यहाँ पे जिसे मैं सेंड करती हूँ मैसेज वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे होल्ड करे हुए रखना है और पेस्ट कर देना है, फिर आपको सेंड कर देना है। तो इस तरह से आप सेंड कर सकते हो तो फ्रेंड्स जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हो और फीचर के बारे में, तो इस तरह से आप यानी कि जो भी आपको पसंद लगे वहाँ पे क्लिक करके इस तरह पे कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आप बात करते हैं यहाँ पे जैसे नीचे के साइड में यहाँ पे देखते हो यहाँ पे लिखा हो रहा है नंबर्स, तो नंबर्स पे क्लिक करते हैं। नंबर्स में है क्या कि आप 1 2 3 4 जो होता है ना अंक वो यहाँ पे इस तरह कर सकते हो। ये मैंने जिस तरह पिछले वाला बताया उस तरह भी सेम यही है, उसी तरह है, इस तरह भी कर उसको भी यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आता है फेवरेट, यहाँ पे जो फेवरेट लिखा हो रहा है तो गाइज यहाँ पे क्या होता है ना, जो फेवरेट यानी कि यहाँ पे जो हार्ड यानी कि यहाँ पे जो दिल का बटन आ रहा है अगर इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे फेवरेट में आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे आर्ट्स, आर्ट्स में अगर आप जाते हो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि मैं हेलो लिख देता हूँ, हेलो लिखने के बाद यहाँ पे क्या होगा कुछ जैसे कि यहाँ पे नाम के पीछे कुछ अमेजिक कुछ अच्छा इमोजी वगैरह लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो सिंपली मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद व्हाट्सएप पे जाता हूँ, फिर से यहाँ पे मैसेज में सेंड कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हो जाएगा ये, यानी कि हेलो के बाद फर्स्ट में और लास्ट में कुछ इमोजीज लग जाएगा इस तरह से, यानी कि कुछ अट्रैक्टिव देखने में लगेगा। अब यहाँ पे एक और फीचर है स्टाइलिश, तो सिंपली हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें होता क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्लस का आइकन है ना, प्लस पे क्लिक करके आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक यहाँ पे ऐड चलेगा। तो जब ऐड चलेगा उसके बाद क्या होता है, अपने मन से अपने मनपसंद से आप देख के जो भी फॉन्ट अगर आप यानी कि डाउनलोड करना चाहते हो वो आसानी से इसमें डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि जो भी आपको पसंद हो, जैसे कि इस तरह जो है ना ये वाला यहाँ पे टेक्स्ट है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप इस तरह से वहाँ प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे छांट सकते हो, अपने मनपसंद कुछ भी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। तो आओ आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को कर देना एक लाइक, क्योंकि यार जब मेरी वीडियो लाइक करते हैं मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।